हेलो दोस्तों, सबको राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हमारे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों सुबह के 10 बज चुके हैं। आज बहुत अच्छी रेसिपी बनाएंगे हम। आज दोस्तों आज हम लोग बहुत अच्छा रेसिपी बनाने जा रहे हैं। आप लास्ट तक बने रहिए वीडियो में। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, देखिएगा हम लोग कैसे बनाते हैं। तो चलिए आज बहुत अच्छी रेसिपी बनाने हम लोग जा रहे हैं और आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, है ना सुभी? हाँ। आज क्या बनाएंगे? छोले भटूरे। हाँ। है ना, हम लोग अभी नहीं खाए हैं, कभी भी अभी नहीं खाए, पहली बार बना रहे हैं और पहली बार खा रहे हैं। तो आज बनाते हैं कैसे बनते हैं, हम लोग कैसे बनाएंगे, आप लोग लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए बनाते हैं। तो हमने ये वाले चने लिए हैं, ये जो होते हैं तो इनको फुला दिए थे, तो ये मस्त फूल गए हैं, है ना सुभी? हाँ। फुला दिए हैं। तो चलिए चूल्हे की तरफ चलते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। और इधर में सामान मंगा लिए थे, ये मैदा है और ये गरम मसाला, ये धनिया पाउडर तो मंगा लिए थे सब, सुभी के पापा ले आए हैं। तो बनाते हैं। सबसे पहले प्याज छील लेते हैं, है ना? प्याज काट लेते हैं, मसाला तैयार कर लेते हैं छोले का। पहले प्याज काट लेंगे, बहुत गर्मी है ना? पसीना निकल। दोस्तों यहाँ पे नीलू प्याज कट कर ली है। बैठ जाओ, तो सब चना जब तक खा ही नहीं। उधर मैदा ही रखी है जाली में, मैदा निकाल लेते हैं। दही है ना? आधा निकालेंगे, आधा रख देंगे। तो दोस्तों अब इधर में सब कुछ मिला देंगे। कहा है उसको बहुत काहे हाथ में लगा रहे हैं? थोड़ी से नमक मिला लेंगे, है ना? हाँ। पहली बार बना रहे हैं, देखते हैं कैसे आते हैं, है ना? हाँ। अब थोड़ी से दही डाल देंगे। ये हमारे घर का दही है, ये सूजी थोड़ी से पहले फुला दिए, थोड़ी देर पहले फूल गया है। दोस्तों इसमें मिला दिए हैं सब कुछ, अब अच्छी तरह इसको मिला लेंगे। सूजी भी डाल लिए, दही बचा लिए, ज्यादा दही नहीं डाले, है ना? हाँ, गर्मी तो है ही है बहुत ज्यादा, वो तो नहीं लगा के आटा रख देंगे, ये मैदा लगा के रख देंगे तो फूल जाएगा, है ना? हाँ। बढ़िया से यहाँ पे आटा लगा लिया। नीलू आटा है कि मैदा? हाँ, मैदा आटा वही ना है। ये देखिए हमारा मैदा, और जब तक ये फूलेगा तब तक अपना हम छोला बना लेते हैं। हाँ। तो इसको रख देंगे कुछ देर के लिए,
तब तक हमारा छोला भी बन जाएगा। दोस्तों एक घर का हमारे है छोला, इसी चने से हम बनाएंगे छोले। ये देखिए कितना अच्छा फूल भी गया है। दोस्तों इधर में आग जला लेंगे, गर्मी बहुत ज्यादा है, खाना वाना खाने का मन नहीं करता है गर्मी में। दोस्तों इधर में हमारा आग जलने लगा है, इधर में मसाला फुला देंगे। दोस्तों चना को पीस के डालेंगे थोड़ा, क्योंकि ग्रेवी बहुत अच्छा आता है ना। इसी का हाँ, बनाएंगे तब इसी को थोड़ा पीस लेंगे आधा, इतना सा निकाल लेंगे हाँ, ग्रेवी बहुत अच्छा बनता है, हो जाएगा हाँ, इतना पीस लो, इतना सा हो जाएगा, इतना खड़ा रहेगा और इतना पीस लेंगे। आज अच्छा जलने लगा हाँ, आज भी जलने लगा है, देखिए कढ़ाई चढ़ा देंगे जब तक गर्म होगा। पहले निकाल रहे भटूरे अपने है ना हाँ, हाँ फिर उसी में डाल देंगे, हाँ सही रहेगा। बहुत धुआं फैला है दोस्तों, पूरा घर में धुआं धुआं, हाँ ये देखिए पूरा घर में धुआं धुआं। पहले फिर उसी कढ़ाई में छोले बना लेंगे। चलो लाओ इनको पहले रख देते हैं। दोस्तों कढ़ाई हो गया हमारा गरम, तो डाल देंगे उसमें तेल, ये देखिए तेल डाल दिए। बनाते हैं भटूरे। घर में हमारा मैदा भी अच्छी तरह फूल गया है। चलिए दोस्तों बनाना स्टार्ट करते हैं, कढ़ाई भी हमारा गर्म हो गया है। ये देखिए कितना मस्त फूल रहा है, गुब्बारा जैसे फूल गया। एकदम लाल हो गया पत्ता, आज भी अच्छा जल रहा है, कढ़ाई भी अच्छा हो गया है ना, मस्त फूला है ना। तो ये देखिए दोस्तों कितना मस्त बना है, ये देखिए कितना मस्त फूला है।
गर्मी बहुत ज्यादा है। ये देखिए दोस्तों कितना मस्त हमारा हर वो बन रहा है, कितना मस्त आ रहा है, सभी इतने मस्त हैं। देखिए दोस्तों नीलू लगी जल्दी जल्दी बनाने में, तो गर्मी लग रहा है। ये देखिए बिल्कुल एकदम पूरा पसीना पसीना हो गई है। पसीना तो क्या करें, अभी इतना गर्मी है, पसीना तो निकलेगा ही, गर्मी है ना। हाँ दो और बचे हैं बनाने के लिए। हाँ, ऐसे खाने को नहीं मिलते हैं, पसीना बहाना पड़ता है तब मिलते हैं खाने को। लो जल्दी निकालो, ये देखिए कितना मस्त फूला है, बलून की तरह फूल गया। दो नहीं फूले हैं, है ना। हाँ दो नहीं फूला है, ये वाला थोड़ी, ये नहीं फूला और ये नहीं फूला, और बाकी सब अच्छे फूले हैं, ये सबसे मस्त फूल गया। हाँ है ना, देखिए कितना मस्त पक भी रहा है, अच्छा है ना। बन गई एक बचा। हाँ गर्मी में प्राण भर रहा है, जल्दी से ये भी बना लो, छोले भी ये बन गए, बन जाए। फिर चलते हैं कहाँ, पंखा में यही आग तापना है। हाँ इसमें रखो जल्दी, हाथ न जला ले, ये लास्ट है ना, बन गए, ये मस्त बनकर तैयार है। अब बनाते हैं छोले, ये देखिए दोस्तों कितने मस्त बने हैं, है ना, मजा आ जाएगा। ये देखिए कितना मस्त दोस्तों बन गए सारे हमारे भटूरे। ये देखिए अब रह गए छोला बनाना, उसको भी जल्दी बना लेते हैं। हाँ उसको भी जल्दी बना लेते हैं। तो दोस्तों निकाले थे तो छोले निकाले थे, अब उनको पीस लेंगे, पीसेंगे नहीं सब कूट लेंगे। हाँ थोड़ा कूट देंगे तो ग्रेवी अच्छा आता है। दोस्तों ऐसे दरबर दरबर थोड़ा पीस लेना है, मतलब कुचलना थोड़ा, हाँ, थोड़ा ही कुचल लेना है। इससे चना का स्वाद भी बढ़ता है। दोस्तों किस गया चना भी हमारा, चना देख कर आए। तेल डाल दें, हो जाएगा बहुत तेल दोस्तों। ये तेल बचा हुआ है तो इसी में छोले भी बना लेंगे। हम लोग गाँव में ऐसे ही बनाते हैं छोले, बहुत मस्त बनाएंगे आज, है ना छोला।
डाल देंगे मसाला। दोस्तों मसाला भून गया, अब इसमें डाल देंगे छोले पीसे हुए थे, उनको भी साथ में भून लेंगे। अब डाल देंगे नमक। डाल दे रही हूँ चने हमारे से, अपने खाने के लिए बचा ले रही हूँ। मस्त बन रहा है। ये पानी मसाला भून गया है, थोड़ी और डाल देंगे, इसको ढक देंगे, बढ़िया से पक जाएगा पानी। चलिए दोस्तों ढक दिए हैं, छोड़ देंगे पकने के लिए। पकने के लिए छोड़ देंगे। हमारा छोला कैसा बना है, मस्त पक गया है। अब इसको उतार लेते हैं। देखिए दोस्तों कितना मस्त बनाए हैं। अब इसको थाली में लगाते हैं, मस्त खाते हैं। फिर इधर में हमारे भटूरे, इधर में छोले बन गए हैं, तो चलिए लगा देते हैं थाली, दे देते हैं। दोस्तों हम लगा लिए थाली, ये देखिए मस्त थाली लगा लिए हैं। अब आपको बताते हैं कैसा टेस्ट है, कैसा बना है। सुबह के पापा खाने लगे एकदम होटल जाई था, पहली बार बनाए हैं, पहली बार खाए हैं, है ना। अभी हम छोले तो बहुत अच्छा छोला बना है भाई, आप लोग भी खाइए दोस्तों। देखो महक रहा है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।